I'm seeing shimmers in this lonely dream. A made up image, bringing back with her. Hey guys, welcome back to my channel. So today I will show you how to do summer sweatproof makeup look. So keep watching. So first I am applying Nivea soft moisturizer. ये व्हाइट कलर में है और ये ट्रांसपेरेंट है, पूरी जेल बेस्ड सनस्क्रीन है। तो हमें समर्स में जो सनस्क्रीन है वो लगानी बहुत जरूरी होती है, ताकि हमारे जो फेस पे है वो टैनिंग ना हो जाए और सन बर्न के भी बहुत इशू हो जाते हैं, जिससे हमारा फेस जो है वो रेडनेस, फेस पे रेडनेस आने लगती है। तो हमें सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी अप्लाई करना। नेक्स्ट मैं अब यूज करूंगी कंसीलर। डॉट डॉट करना है और हमें मेक श्योर कि आप समर स्वेट प्रूफ मेकअप कर रहे हैं, तो अपने जो प्रोडक्ट्स की जो क्वांटिटी है वो हमेशा कम रखें। ये नहीं कि आप कवरेज फाउंडेशन समर्स में यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा लाइट वेट यूज़ करें और मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज करें समर्स में। तो यहाँ मैं थोड़ा ही कंसीलर ले रही हूँ, देन अपने अंडर आई पे अप्लाई कर रही हूँ। देन हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। तो मैं फाउंडेशन की बहुत ही कम क्वांटिटी लूंगी। बहुत ही कम कवरेज वाली ही ले। मेक श्योर कि अगर आप समर्स में मेकअप कर रहे हैं तो बहुत ही शीयर कवरेज वाली लें, ज़्यादा मैट ले, ज़्यादा कवरेज वाली लेंगे तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी और बहुत ज़्यादा केकी लगेगा आपका फेस समर्स में। तो मेक श्योर कि आप बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट जो आपका फाउंडेशन है वही समर्स में यूज़ करें।
मैंने थोड़ा नेक पे लगा लिया है, और थोड़ा थोड़ा जो फाउंडेशन है वो कवरेज के लिए वो अपनी अंडर आई पे ले लिया है। तो समर्स में जब आप मेकअप कर रहे हो तो, या फिर आप अपना सेटिंग स्प्रे ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे कर लें, फिर अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे कर लें, फिर आपका जो वो फाउंडेशन है वो लॉक हो जाएगा। ऐसे स्प्रे कर लें अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे, देन फिर अपने पूरे फेस पे अप्लाई करें, पूरे डैप डैप कर लें अपने, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो लॉक हो जाए। और हटे ना समर्स में हमारा फाउंडेशन। मैंने बेस जो है वो अपना लॉक कर लिया है, देन हम अप्लाई करेंगे कॉम्पैक्ट। मेक श्योर कि आप जब भी अपना फाउंडेशन के बाद आपने अपना जो मेकअप सेटिंग स्प्रे से लॉक कर दिया है, तो फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ही आप कॉम्पैक्ट लें ऐसे, और फिर अपना जो वो है कॉम्पैक्ट है, फिर ऐसे ही अप्लाई करें टैप टैप करके, जिससे हमारा जो सेटिंग स्प्रे हमने जो स्प्रे करा है वो हमारा कॉम्पैक्ट से भी लॉक हो जाए बेस। फिर से सेटिंग स्प्रे की तरह हमारा जो बेस है वो लॉक करने के लिए, स्वेट प्रूफ करने के लिए, हमारी स्वेटिंग समर्स में ना हुए तो हम इसको लॉक कर देंगे अच्छे से, ताकि स्वेटिंग ना हो, मतलब लॉन्ग लास्टिंग हो हमारा जो बेस है वो, काफी आवर्स तक जो है वो टिके समर्स में। तो स्पेशली मैं समर्स के लिए ही बता रही हूँ। तो हम सबसे पहले ब्यूटी ब्लेंडर पे स्प्रे कर लेंगे, फिर देन अप्लाई करेंगे पूरे फेस पे। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से जो है पूरे फेस को डैब डैब कर लिया है बेस पे, देन अब हम आएंगे आईब्रोज की तरफ। तो अब हम आईब्रोज को अपनी फिल करेंगे। तो यहाँ मैं आईब्रोज को फिल करने के लिए मिस क्लेयर की पेंसिल ले रही हूँ, इससे मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। गाइस, आईब्रो पे मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा कि स्टेप बाय स्टेप आईब्रो कैसे फिल करते हैं। कॉन्टोरिंग की तरफ, तो हम अपने फेस को कॉन्टोर करेंगे। अब मैं पूरे फेस को जो है वो ब्रॉन्ज करूंगी। ताकि कोई भी जो हार्श लाइंस है वो हार्श लाइंस ना रहे, और जो हमारा जो ब्रॉन्जर है, ब्रॉन्जिंग की हमने फेस में, वो ब्लेंडेड लगे।
लिया है, देन अब हम आएंगे ब्लश की तरफ। अब मैं ब्लश अप्लाई करूँगी, जो भी आपका फेवरेट कलर है वो यूज़ कर लें, ब्लश लगा लें। और समर्स में जो है वो ब्लश अगर आप थोड़ा ज़्यादा लगा लें वो ज़्यादा ही थोड़ा फ्रेशी लुक आएगा, तो ज़्यादा लगा लें तो कोई बात नहीं है। अब मैं ब्लश अप्लाई करूँगी। ब्लेंडर से इसको भी ब्लेंड कर देंगे और सीमलेस लगे और हमारा जो ब्लश है वो ब्लेंडेड लगे और समर्स में जो है काफी अच्छा लगे। हमारा जो ब्लश है वो थोड़ा फ्रेश लगे, इसलिए हम इसको ब्लेंड करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर से। तो यहाँ मैं आई शेडो के लिए यूज कर रही हूँ मिस रोज की आई शेडो पैलेट। इसकी जो पैलेट नंबर है वो 01 है, 01 पैलेट नंबर है। इसमें टोटल मैट शेड है, सारे 36 मैट शेड्स हैं। देन ये अगर आप अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट लेना चाहते हैं वो भी मैट्स टोटल मैट्स कलर्स में, तो आप ये मिस रोज की पैलेट ले सकते हैं। ये काफ़ी अफोर्डेबल है और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। इसमें कलर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, यहाँ पर जो है आपको ब्राउन में मिल जाएंगे, ब्लू में मिल जाएंगे, पिंक में काफ़ी शेड मिल जाएंगे, पिंक्स में जो मिल जाएंगे, ऑरेंज में मिल जाएंगे, ब्लू में मिल जाएंगे और ग्रीन येलो। तो काफ़ी आप इससे लुक क्रिएट कर सकते हैं। ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है, जो पैलेट है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है ये आई शेडो पैलेट। इसमें टोटल 36 शेड्स हैं जो कि बहुत ही एक शेड है वो काफ़ी पिगमेंटेड है, तो ये आप ले सकते हैं। तो गाइज मैं इसी पैलेट में से एक लाइट ब्राउन शेड लूंगी, ये वाला लाइट ब्राउन शेड लूंगी मैं ये वाला, ताकि मेरी जो आईलेट्स है वो नेचुरल लगे। थोड़ा सा न्यूट्रल लुक देंगे और नेचुरल लगे समर्स में। तो मैं इसको अब अपनी आईलेट्स पे लगाऊंगी। Thank you.
अब हम आएंगे लिपस्टिक की तरफ। सो या गाइस, मैं अब लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये नायका की इन दी शेड सिनेमन क्रंच 50 ml। मैंने फॉल्सीज अप्लाई कर ली हैं और लैशेस को फॉल्सीज को मिक्स करने के लिए मैंने अब मस्कारा अप्लाई कर लिया है इनमें। देन दिस इज माय लुक। I'm seeing shimmers in this honesty and dream. I made up in me. गाइज, दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर। सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।